हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डीवा कंचन। मैं आपकी दोस्त कंचन। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाली हूँ साड़ी की, एक्चुअली सिल्क की साड़ी की। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जब भी साड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक इंडियन वूमेन की इमेज सामने आती है। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हमारा जो लुक है वो काफ़ी एलिगेंट और रॉयल लगता है। सिल्क की साड़ी भी एक ऐसा ही मटेरियल है जिसको हम जब भी कैरी करते हैं तो उसको कैरी करने के बाद हमारा लुक काफ़ी रॉयल और एलिगेंट दिखता है। गाइज, आप लोगों ने देखा होगा बॉली सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो सिल्क की साड़ी बहुत ज़्यादा कैरी करती हैं, जैसे कि रेखा हो गई, रेखा जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं। तो ये देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी इंटरनेशनल जो इवेंट होते हैं उनमें भी आप लोगों को, फिर वो चाहे आज के टाइम की एक्ट्रेसेस हो या फिर ओल्ड टाइम की हो, बट वो सभी आपको सिल्क की साड़ी में ज़्यादा दिखती हैं। आज मैंने भी आप लोगों के लिए सिल्क की साड़ी में कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ के लुक क्रिएट किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आप सभी को वो सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मुझे लगता है वो आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगी, आप लोग भी उन लोगों की तरह दिखना चाहते होंगे। और मेरा मोटिव ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिल्क की साड़ी पहन के उनके जैसा लुक क्रिएट कर रही हूँ तो उनके जैसा कुछ बोल रही हूँ कि भाई मैं ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठहरे लीजेंट, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, बट मैं उनके जैसा लुक क्रिएट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ उससे हेल्प मिल सके और आप लोग भी उनके जैसा जो लुक है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिल्क की साड़ी ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबके पास होती ही हैं क्योंकि आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। सिल्क एक ऐसा मटेरियल है जो हमेशा फैशन में इन रहता है, एवर ग्रीन रहने वाली साड़ियां हैं। सिल्क के बहुत सारे लोग सूट्स भी पहनते हैं, साड़ियां भी पहनते हैं, लहंगे भी बनते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने दिखाती हूँ अपने कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के लुक जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। बट गाइज, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। इससे मेरे जितने भी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। और मुझे इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और आप लोगों के सामने साड़ी में जो मेरा है वो मैंने छोड़ी, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। गाइस, फर्स्ट लुक के लिए मैंने कंगना जी को पिक किया है बिकॉज सिल्क की साड़ी वेयर की है, उसका शेड मजेंटा है एंड ये साड़ी पहनी है उसका शेड भी सेम मजेंटा ही है। कंगना जी ने जो हेयर स्टाइल किया है उसमें उन्होंने सेंटर में पार्टीशन कर लो बन बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नेक पे ही जो नेक कटा हुआ होता है ऐसा एक बन बनाया हुआ है एंड उस बन में उन्होंने एक गजरा लगाया हुआ है। और आप लोग जानते हैं जैसा कि सिल्क के साड़ी के साथ अगर आपने गजरा टीम अप किया है तो मतलब भाई क्या बात है। गजरा और जो सिल्क की साड़ी है उसका कॉम्बिनेशन A1 रहता है। तो अगर आप सिल्क की साड़ी वेयर कर रहे हैं और अगर किसी पार्टी में आप जा रहे हैं तो आप गजरा ज़रूर ट्राई करें। आई थिंक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन दिखता है ये गजरा, सिल्क की साड़ी को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जो रियल गजरा होता है वो ज़रूर लगाएं। कंगना जी ने अपने फॉरहेड पे जो बिंदी लगाई है थोड़ा सा हाई लगाई हुई है, मैंने भी उनकी तरह ही बिंदी को थोड़ा अपने फॉरहेड पे ऊंचा लगाया हुआ है, अपनी आईब्रो के जो सेंटर में, वैसे नॉर्मली सेंटर में लगाती हूँ बट इस लुक में कंगना जी ने थोड़ा अपर लगाया हुआ है तो मैंने भी थोड़ा ऊपर ही लगाया हुआ है।
आपने देखा होगा कंगना जी को जब वो आई मेकअप करते हैं तो उनकी आईज़ में बहुत कम कभी काजल मिलता है, वरना वो काजल को मैंने देखा अवॉइड ही करती हैं, और मैंने भी इसलिए काजल को अवॉइड किया है, सिर्फ लाइनर और आई शेडो ही यूज़ किया। ये लुक एकदम सिंपल और एलिगेंट है, तो आप भी इस लुक को ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप लोग भी बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हैं इस लुक में। आप मुझे बताइएगा कि मैं उनसे उनके लुक को, उनको नहीं बल्कि उनके लुक को कहाँ तक मैच किया है। तो आई होप आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उन्होंने अपने हैंड्स में कोई एक्सेसरीज नहीं डाली हुई है, नेक में भी कोई एक्सेसरीज नहीं डाली हुई है, सिंपल कानों में झुमकी डाल रखी हैं, तो मैंने भी सिंपल जो मेरे पास झुमकी अवेलेबल थी मैंने भी वही झुमकीज डाल रखी हैं, और तो ओवरऑल ये लुक काफ़ी एलिगेंट और सिंपल है। आज की इस वीडियो के लिए मैंने एक ऐसी साड़ी को पिक किया है। ये साड़ी ऑलमोस्ट बॉलीवुड में जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उनमें से मोस्टली मुझे लगता है ये शेड काफ़ी सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इस साड़ी को पहना है, मतलब इस शेड को पहना है सिल्क में ही, तो इसलिए मैंने ये शेड पिक किया है। हाल ही में अभी बहुत सारी जो बॉलीवुड है सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी मैरिज भी हुई है, तो उन सेलिब्रिटीज़ ने भी आफ्टर मैरिज इस शेड को पहन के अपने लुक्स क्रिएट किए हैं, और काफ़ी हमें देखने को भी मिले हैं जो कि टीवी पर या न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में। तो ये शेड एक ऐसा है जो बिफ़ोर मैरिज आफ्टर मैरिज आप कभी भी कोई भी इसको कैरी कर सकता है, सब पर ये बहुत अच्छा लगता है। गाइज ये मेरा फर्स्ट लुक था। अब मैं आपको लुक में मैंने इस साड़ी को दीपिका पादुकोण के लुक में ट्राई किया है, और जैसा कि दीपिका पादुकोण ने आफ्टर मैरिज साड़ी को एक ग्रैंड फंक्शन में पहना था अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ में, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी वो इसमें, बिकॉज ये शेड भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो आफ्टर मैरिज जो ब्राइड वुमेन होती हैं उनके ऊपर बहुत सुंदर दिखता है ये, और काफ़ी ग्रेसफुल दिख रही थी वो, तो मैंने उनके जैसा कुछ लुक ट्राई किया है। जैसा कि दीपिका पादुकोण ने अपना जो हेयर स्टाइल है उसके लिए उन्होंने भी सेंट पार्टीशन करके और पीछे बन बनाया हुआ है, उस बन में उन्होंने भी गजरा लगाया हुआ है, एंड गजरे के साथ में हैवी चोकर और झुमकी एंड हैंड में उन्होंने कंगन पहना हुआ है, तो काफ़ी एलिगेंट लुक है उनका भी। दीपिका पादुकोण ने अपनी आईज़ में काफ़ी अच्छा मेकअप किया हुआ है, और ऊपर भी लाइनर एंड काजल अच्छे से अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने भी इस लुक में अपने आईज़ में काजल अप्लाई किया है, थोड़ा मोटा अप्लाई किया है। तो गाइज दिस वन इज़ माय सेकेंड लुक। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई थर्ड लुक। मैंने एज ए सोनम कपूर के जैसा लुक क्रिएट किया है। तो गाइस सोनम कपूर ने जब सिल्क की साड़ी डाली थी आफ्टर मैरिज, तो उन्होंने इस साड़ी को प्लीट्स के साथ पहना था, जैसे दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत ने तो फ्री हैंड लिया था इसको, बट सोनम कपूर ने इसे प्लीट्स में कैरी किया हुआ है। तो गाइज़ मैंने भी इसको प्लीट्स के साथ कैरी किया हुआ है, और सोनम कपूर ने एक पोटली बैग लिया हुआ है इसके साथ में, मैंने भी एक पोटली बैग का यूज़ किया है। और गाइज उन्होंने हेयर स्टाइल में सेंट्रल पार्टीशन के साथ में दोनों साइड में ट्विस्ट, आगे से जो कुछ बालों को ट्विस्ट करके एंड पीछे बन बनाया हुआ है, मैंने भी सेम उनकी तरह ही ट्विस्ट करके पीछे बन बनाया हुआ है, और उसके साथ में गजरा ऐड किया हुआ है। गाइस सिल्क के साथ में गजरा
बहुत अच्छा लगता है। तो आप कभी भी देखेंगे अगर कोई भी सेलिब्रिटी जब सिल्क की साड़ी पहनती है तो उसके साथ में आपको गजरा मिलेगा ही मिलेगा। मेरा थर्ड लुक, अब मैं बात करती हूँ फोर्थ लुक की। फोर्थ लुक में मैंने एक ऐसी लेजेंड हैं जिनका लुक ट्राई करने की कोशिश की, सिल्क की बात हो वहाँ इनका नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो है रेखा जी। रेखा जी को देखा होगा आप लोगों ने, कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है या वो कहीं भी एज अ गेस्ट आई हुई होती हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्क की ही साड़ी को पहनकर आती हैं और उनके ऊपर सिल्क की साड़ी बहुत सुंदर लगती है। ऐसा लगता है उन्हें देखकर सिल्क की साड़ियाँ बनी ही इनके लिए हैं। मुझे भी बहुत पसंद है सिल्क की साड़ियाँ और मुझे रेखा जी भी बहुत पसंद है। तो रेखा जी को आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये लुक कैरी करती हैं, सेंटर पार्टीशन किया हुआ है उन्होंने भी, आगे के जो अपने हेयर्स हैं उनको ट्विस्ट करके और पीछे बन बनाया हुआ है एंड गजरा ऐड किया हुआ है और वो काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहनती हैं। बट गाइज मेरे पास इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं मिलेगी बिकॉज मैं इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ। तो अभी लॉकडाउन है तो अभी मैं मार्केट भी नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मेरे पास जो भी ज्वेलरी अवेलेबल थी उसके साथ ही मैंने ये लुक्स क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको इन सभी लुक्स को देखकर कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स मिल रहे हों। और प्लीज़ गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं रेखा जी के लुक की। गाइज रेखा जी ने अपने हैंड में बैंगल्स भी डाली हुई हैं, उन्हीं की तरह मैंने भी अपने दोनों हैंड्स में बैंगल्स डाली हुई हैं और हैवी ज्वेलरी जो भी मेरे पास अवेलेबल थी वो सभी ज्वेलरी मैंने ऐड की हुई है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी मांग में सिंदूर को अप्लाई किया हुआ है, मैंने भी उन्हीं की तरह कुछ ट्राइंगल शेप में सिंदूर को अप्लाई किया हुआ है। और रेखा जी काफ़ी अच्छा हैवी मेकअप अप्लाई करती हैं, तो गाइज मैंने भी थोड़ा सा अपना मेकअप हैवी किया हुआ है। गाइज अब मैं बात करती हूँ इसके बाद फिफ्थ लुक की। गाइज फिफ्थ लुक मैंने एज अ हेमा मालिनी क्रिएट किया हुआ है और देखिए आप हेमा मालिनी जी को कितना मतलब रॉयल लुक है ये इनका, एकदम सिंपल सोबर, कुछ इन्होंने ज़्यादा नहीं किया हुआ है, कोई हेयर स्टाइल नहीं ऐड किया है अपने बालों में, कोई गजरा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, लेकिन फिर भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं बिकॉज़ वो वैसे भी ब्यूटीफुल ही हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो वैसे भी अच्छी लगती हैं। तो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने भी एक मजेंटा शेड की ही सिल्क की साड़ी वेयर की हुई है और उनसे मिलती जुलती ही साड़ी मैंने भी वेयर की हुई है। उन्हीं की तरह मैंने भी एक छोटी सी बिंदी अप्लाई की है अपने फॉरहेड पे एंड आईज़, मुझे हेमा मालिनी जी की आईज़ बहुत पसंद है। तो गाइज़ उन्होंने जो मेकअप किया हुआ है काफ़ी मिलता जुलता मेकअप मैंने भी ट्राई किया है और गाइज उन्होंने अपने हैंड में 4 या 5 बैंगल्स डाली हुई हैं तो मैंने भी, और हैंड में इन्होंने एक सिल्वर कलर का क्लच लिया हुआ है, मैंने भी एक सिल्वर कलर का क्लच लिया हुआ है उन्हीं के जैसा। तो उन्होंने अपने हेयर्स को सिंपल ओपन किया हुआ है, मैंने बताया था ओपन हेयर्स काफ़ी क्लासी लुक देते हैं तो मुझे ये लुक मतलब काफ़ी क्लासी लग रहा है उनका, तो मैंने भी अपने जो हेयर्स हैं उनको ओपन किया हुआ है और मुझे ये लुक क्रिएट करने के बाद मुझे भी मतलब कुछ क्लासी जैसी फीलिंग आ रही है गाइज। तो आप भी अगर ऐसा कुछ ट्राई करेंगे तो आपको भी अपना लुक क्लासी ही दिखेगा। गाइज ये थे कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ के लुक इन सिल्क साड़ी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, आप लोगों के लिए क्रिएट किए। सो गाइज आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हो यही उम्मीद करती हूँ और इसी उम्मीद के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।